भूतिया बच्चों का आतंक। आधी रात होने के साथ गांव का माहौल एकदम शांत और सन्नाटे भरा हो जाता है। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक कुछ छोटे छोटे भूतिया बच्चों का झुंड घुटनों के बल चलते हुए गांव में घुस आते हैं। उन सभी बच्चों की आंखें लाल थी और उनके मुंह से खून बह रहा था। तभी भूतिया बच्चे कहते हैं, हम सभी भूतिया बच्चे बनकर लौट आए हैं। अब हम अपनी मौत का बदला लेंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सभी गांव वालों को मौत के घाट उतार देंगे। चलो अब अपनी भूतिया आवाज में रोना शुरू करते हैं। सभी भूतिया बच्चे जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं और उनके रोने की आवाज सरपंच के कानों में पड़ती है कि उसकी नींद खुल जाती है और वो आंख मलते हुए कहता है, अरे इतनी रात में किसका बच्चा रो रहा है, अच्छी खासी नींद खराब कर दी। सरपंच बिस्तर से उठ खड़ा होता है और दरवाजे खोलता है। तभी भूतिया बच्चे एक साथ उस पर झपट पड़ते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं, जिसके बाद सरपंच कहता है, अरे मैया ये कैसे शैतानी बच्चे हैं जिनकी आंखें राक्षस के जैसी लाल हैं, पहचाना नहीं हमें। अरे बाप रे, ये दुधमुहे भूतिया बच्चे बोलते भी हैं, भाग सरपंच वरना ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरपंच जैसे ही दरवाजा बंद करने के लिए भागता है, तभी सारे भूतिया बच्चे अपने नुकीले दुधमुहे दांत उसके गर्दन पर गड़ाकर उसे मार डालते हैं और कहते हैं, मुझे जोरों की भूख लगी है, चलो इसका खून पीते हैं। वैसे भी हम भूतिया बच्चे जो दूध की जगह इंसानों का खून पीते हैं। सभी भूतिया बच्चे उसका खून पी जाते हैं और उसका शरीर पीला करके एक साथ झुंड बनाकर गायब हो जाते हैं। अगले दिन सरपंच की लाश को देखकर सभी गांव वाले तरह तरह की बात बनाते हुए कहते हैं, हाय री, इतनी बेरहमी से किस जानवर दानव ने सरपंच जी का खून चूस लिया। सरपंच जी तो चल बसे, अब रोने पीटने से क्या फायदा। पर आखिर सरपंच जी के मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है। लाख सोचने पर भी कोई भी जन सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाता और फिर से भयानक रात होने के साथ भूतिया बच्चे झुंड बनाकर गांव में प्रकट होकर कहते हैं, चलो चलकर हम भूतिया बच्चे मौत का खेल शुरू करते हैं। हाँ चलो इन गांव वालों के मौत का बिगुल बजाते हैं। सभी भूतिया बच्चे छलावे भरी आवाज में रोना शुरू करते हैं और इस बार आवाज भगवती के कानों में पड़ती है जो कहती है, हाय हाय सत्यानाश हो, इतनी रात के किसका सपोला रोने धोने की सारंगी बजा रहा है, अब तो निकल कर देखना ही पड़ेगा। भगवती दरवाजा खोलकर इधर उधर देखने लगती है, तभी बच्चे के रोने की आवाज बंद हो जाती है और बच्चे अचानक से उस पर एक साथ वार करते हुए कहते हैं, रूप जरा देखो तो, ये भगवती हम भूतिया बच्चों को देख कर कैसे थर थर काँप रही है। हाय रे मैया, ये ममता के भूतिया बाल गोपाल लौट कैसे आए। तुमने क्या सोचा कि तुम हमें मारकर आराम से बैठ जाओगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को चुन चुन कर मार डालेंगे। ये कहकर सभी भूतिया बच्चों का झुंड उसे बेरहमी से मार देता है और गायब हो जाते हैं। ऐसे ही हर बार वो भूतिया बच्चे झुंड बनाकर गांव में आते और लोगों को मार कर गायब हो जाते। इस तरह अब गांव से लोगों की तादाद ज्यादा घटने लगती है। अब भूतिया बच्चों की आवाज सभी गांव वालों ने सुन ली थी, जिस वजह से वह डरते हुए कहते हैं, गांव वालों ये जो भूतिया बच्चे बनकर सभी लोगों को मार रहे हैं, ये और किसी के नहीं बल्कि उसी ममता के ही बच्चे हैं। हमने जो उसके साथ किया, अब ये भूतिया बच्चे हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब हमें इन भूतिया बच्चों से इनकी माँ ही बचा सकती है। सभी लोग एकजुट होकर ममता के पास आते हैं, जहाँ ममता अपने बच्चों की याद में आंखों से आंसू बहा रही थी। तभी सभी उससे कहते हैं, ममता बहन हम सभी को माफ कर दो, हमसे बहुत भारी अपराध हो गया। तुमने जो किया उसके लिए ऊपर वाला भले ही तुम्हें माफ कर दे, पर ये माँ कभी नहीं करेगी। तुम्हारे नवजात मरे हुए बच्चे भूतिया बच्चे बनकर लौट आए हैं और सबको मौत के घाट उतार रहे हैं, उनके कहर से हमें बचा लो। कभी नहीं, तुमने जो मेरे भोले भाले बेजुबान बच्चों के साथ किया उसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, चले जाओ यहाँ से। ममता को हाथ पीछा करते देख गांव वाले वहाँ से चले आते हैं और कहते हैं, उस भूतिया बच्चों के आतंक से यही हमें बचा सकती थी, अब हमें उन भूतिया बच्चों से कौन बचाएगा। हमें किसी तांत्रिक या सिद्ध पुरुष की सहायता लेनी होगी। ये बोलकर सभी एक पहाड़ी बाबा के पास जाकर उनसे मदद की मांग करते हुए भूतिया बच्चों के मचाए आतंक के बारे में बताते हैं और बाबा पूरी तैयारी करके
गांव में आते हैं और तभी रात होने के साथ सभी भूतिया बच्चे झुंड बनाकर गांव में घुस आते हैं और बाबा कहते हैं, रुक जाओ, आखिर तुम सभी भूतिया बच्चे गांव में क्यों आतंक मचा रहे हो? हम तुम्हें क्यों बताएं? हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना हम भूतिया बच्चे आतंक मचाकर तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। तुम सभी भूतिया बच्चे एक साथ मिलकर भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। हम सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। कैसा बदला, बताओ। एक वक्त था जब मुकुंदपुर गांव में काफी खुशहाली का माहौल था, पर अचानक गांव पर गंभीर महामारी के बादल छा गए, जिस कारण सभी लोगों के बच्चों ने दम तोड़ दिया और ममता के सभी बच्चे एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। ये देखकर गांव वाले सरपंच के पास आकर कहते हैं, सरपंच जी, इस महामारी के चलते हम सभी के बच्चे चल बसे। पर उस ममता के सारे बच्चे जिंदा कैसे हैं? पक्का इस डायन ने काला जादू करके हम सभी के बच्चों को खा गई, सिवाय अपने बच्चों को छोड़कर। अगर ये सत्य है तो उसके बच्चों को भी जीने का कोई अधिकार नहीं, जान के बदले जान। अभी उसके घर के हालात बहुत खराब हैं और उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं। चलो आज हम उसके बच्चों के लिए दूध लेकर चलते हैं। सरपंच जी बौरा गए हैं, क्या उसने हम सभी के बच्चों का खून बहाया है और हम उसके सपोलों के लिए दूध लेकर जाएं? वो दूध ममता के सभी बच्चों का मौत का भोज होगा, क्योंकि मैं उसमें जहर मिलाकर उसे दूंगा। सरपंच उसके बच्चों के लिए जहर मिला दूध लेकर उसके घर पहुंचता है और ममता कहती है, अरे सरपंच जी, आप सभी यहाँ कैसे? हेलो ममता, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, ये दूध पिलाकर उनकी भूख मिटा दो। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी, जो आपने मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ किया। ममता वो जहरीला दूध अपने चारों बच्चों को पिला देती है। उसे पीने के साथ ही उसके सभी बच्चे मुंह से खून की उल्टियां करते छटपटा कर मर जाते हैं और ममता आंसू बहाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है, एक एक करके मेरे बच्चे मर गए सर, क्या मिला था इस दूध में? जहर मिला था। और मरने के बाद हम सभी बच्चे भूत बन गए। हम अपनी माँ के एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। हमें कोई नहीं रोक पाएगा, तू भी नहीं। बाबा और भूतिया बच्चों के झुंड में घमासान युद्ध छिड़ जाता है और बाबा को मुंह की खानी पड़ती है। इन भूतिया बच्चों को अब और काबू करना मेरे वश से बाहर है, इसकी माँ ही इन्हें रोक सकती है। भूतिया बच्चों के आतंक को रोकने के लिए उनकी माँ वहाँ आकर कहती है, मेरे बच्चों छोड़ दो इन्हें। माँ, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इनकी वजह से हमें आपकी आंचल की छांव और ममता नसीब ना हो सकी। अपनी माँ की बात मानो और चले जाओ यहाँ से, मेरे लिए। सभी भूतिया बच्चे आंसुओं में डूबे अपनी माँ की गोद में आकर उसके गले लगते हैं और माँ की ममता को कुछ क्षण पाकर उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है और ममता कहती है, काश कि तुम सब समझ पाते कि उस महामारी में मेरे बच्चों को कुछ ना होना ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाला गरीब के बच्चे को जल्दी कोई तकलीफ नहीं देता। ये सुनकर सभी को अपनी गलतियों का बेहद पछतावा होता है और वो ममता से माफी मांगते हैं।